सप्त संहिता चिकित्सा स्थानम पंचमोध्याय अथा तो महावात व्याधि चिकित्सित व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी द्विविधं वात शोणितं उत्तानं अवगाढं च इति एके भाषन्ते तत्तु न सम्यक् तद्धि कुष्ठवद् उत्तानं भूत्वा कालांतरेण अवगाढी भवति तस्मान् न द्विविधं तत्र बलवद् विग्रहादिभिः प्रकुपितस्य वायोर् गुरु उष्ण अध्यशनशीलस्य प्रदुष्टं शोणितं मार्गं आवृत्य वातेन सह एकीभूतं युगपत् वातरक्त निमित्तानां वेदनां जनयति इति वातरक्तम् तत्तु पूर्वं हस्तपादयोर् अवस्थानं कृत्वा पश्चात् देहं व्याप्नोति तस्य पूर्वरूपाणि तोद दाह कंडु शोफ स्तंभ त्वक्पारुष्य शिरास्नायु धमनि स्पंदन शक्ति दौर्बल्यानि शाव अरुण मंडलोत्पत्तिश्चाकस्मात् पाणिपाद तलांगुलि गुल्फ मणिबंध प्रभृतिषु तत्र अप्रतिकारिणो अपचारिणश्च रोगो व्यक्ततरः तस्य लक्षणम् उक्तम् तत्र अप्रतिकारिणो वैकल्यं भवति चात्र प्रायश सुकुमाराणां मिथ्याहार विहारिणां स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकुप्यति तत्र प्राण मांसक्षय पिपासा ज्वर मूर्छा श्वास कास स्तंभ अरोचक अविपाक विसरण संकोचनैर अनुपद्रुतं बलवंतं आत्मवंतं उपकरणवंतांच उपक्रमेत तत्र आदौ एव बहुवात रूक्षं लानांगाधृते मार्गावरणा दुष्टशोणितं असकृत अल्पाल्पं अवसिंचेत वातकोपभयात् ततो वमनादिभिर् उपक्रमैर् उपपाद्य प्रतिसंसृष्ट भक्तं वात प्रबले पुराण घृतं पाययेत अजाक्षीरं वार्धतैलं मधुकाक्षयुक्तं शृगालविन्नासिद्धं वा शर्करा मधुमधुरं शुण्ठी शृङ्गाटक कशेरुक सिद्धं वा श्यामारास्ना सुषवी शृगालविन्ना पीलु शतावरीष्वदंष्ट्रा द्विपञ्चमूली सिद्धं वा द्विपञ्चमूली क्वाथाष्टगुणसिद्धेन पयसा मधुकमेषशृङ्गीष्वदंष्ट्रा सरल भद्रदारु वचा सुरभिकल्क प्रतिवापं तैलं पाचयित्वा पानादिषु उपयुञ्जीत शतावरी मयूरक किनिहि अजमोदा मधुक क्षीरविदारी बला अतिबला तृणपञ्चमूली क्वाथ सिद्धं वा काकुल्यादि प्रतिवापं बला तैलं शतपाकं वा इति वातहर मूल सिद्धेन च पयसा परिषेचनम् अम्लैर्वा कुर्वीत यव मधुक एरंड तिल वर्षा भूभिर्वा प्रदेह कार्यः तत्र चूर्णितेषु यव गोधूम तिल मुद्गमाशेषु प्रत्येकश काकोलि क्षीर काकोलि जीवक ऋषभक बला अतिबला बिस मृणाल शृगाल विन्ना मेष शृंगी प्रियाल शर्करा कशेरुक सुरभि वचाकल्क मिश्रेषु उपनाहार्थं सर्पिस्तैल वसा मज्ज दुग्ध सिद्धा पैंच पायसा व्याख्याताः स्नैहिक फल सारोत्कारिका वा चूर्णतेषु यव गोधूम तिल मुद्गमाशेषु मत्स्य पिशित वेशवारो वा बिल्व पेशिका तगर देवदारु सरल रासना हरेणु कुष्ठ शतपुष्पा एला सुरा दधिमस्तु युक्त उपनाहः मातुलुंग अम्ल सैंधव घृत मिश्रम मधुशिग्रु मूलम आलेप स्तिल कल्को वा इति वात प्रबले पित्त प्रबले द्राक्षा आरेवत कटफल पयस्या मधुक चंदन काश्मर्य कषायम शर्करा मधु मधुरम पाययेत शतावरी मधुक पटोल त्रिफला कटुरोहिणी कषायम गुडूची कषायम वा पित्तज्वरहरम वा चंदनादि कषायम शर्करा मधु मधुरम मधुरतिक्त कषाय सिद्धं वा सर्पिहि विस मृणाल भद्रश्रिय पद्मक कषायेण अर्धक्षीरेण परिषेकः क्षीरेक्षुरसैर् मधुक शर्करा तण्डुलोदकैर्वा द्राक्षेक्षु कषाय मिश्रैर्वा मस्तु मद्य धान्याम्लैः जीवनीय सिद्धेन वा सर्पिषा अभ्यङ्गः शतधौत घृतेन वा काकोल्यादि कल्क कषाय उपक्वेन वा सर्पिषा शालिषष्टिक नल वञ्जुल तालिस शृंगाटक गलोड्य गौरी गैरिक शैवल पद्मक पद्मपत्र प्रभृतिभिर् धान्याम्ल पिष्टै प्रदेहो घृतमिश्रः वात प्रबले पेश सुखोष्ण प्रदेह कार्यः।
रक्त प्रबले पेवम बहुशश्च शोणितम अवसेचयेत शीततमाश्च प्रदेहा कार्या इति श्लेष्म प्रबले त्वामलक हरिद्रा कषायम मधुमधुरम पायेत त्रिफला कषायम वा मधुक श्रृंग वेर हरितकी तिक्त रोहिणी कलकम वा सक्षौद्रम मूत्र तोययोर अन्यतरेण गुडहरितकिं वा भक्षयेत तैल मूत्र क्षारोदक सुराशुक्त कफघ्नौषध निक्वाथैश्च परिषेकः अरग्वधादि कषायैर्वोष्णैः मस्तो मूत्र सुराशुक्त मधुक सारिवा पद्मक सिद्धं वा घृतम् अभ्यङ्गः तिल सर्षप अतसि यवचूर्णानि श्लेष्मातक कपित्थ मधुशिघ्र मिश्राणि क्षार मूत्र पिष्टानि प्रदेहः श्वेत सर्षप कल्क तिलाश्वगंधा कल्क प्रियाल सेलुक कपित्थ कल्कः मधुशिघ्रो पुनर्नवा कल्कः व्योष तिक्ता पृथक् पर्णी बृहती कल्क इति एतेषां पञ्च प्रदेहा सुकोष्णा क्षारोदक पिष्टाः शालिपर्णी पृष्णिपर्णी बृहत्यौ वा क्षीरपिष्टा सर्पण मिश्राः संसर्ग सन्निपाते च क्रियापथम उक्तं मिश्रं कुर्यात् सर्वेषु च गुणहरितकीम् आसेवेत पिप्पलीर्वा क्षीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभिवृद्ध्या दशाभिवृद्ध्या वा पिबेत् क्षीरोदनाहारो दशरात्रम् भूयश्च अपकर्षयेत् एवं यावत् पञ्चदश वा इति तदेतत् पिप्पली वर्धमानकं वातशोणित विषमज्वर अरोचक पाण्डुरोग प्लीहोदराशक कासश्वास शोक शोष अग्निसाग रुद्रोगोदराण्यपहन्ति जीवनीय प्रतिवापं सर्पिस्पयसा पाचयित्वा अभ्यज्जात् सहा सहदेवा चंदन मूर्वा मुस्ता प्रियाल शतावरी कशेरु पद्मक मधुक शतपुष्पा विदारी कुष्ठानि क्षीरपिष्ट प्रदेहो घृतमण्डयुक्तः सैरेयक आटरोषक बला अतिबला जीवन्ति सुषवी कल्पो वाच्छाग क्षीरपिष्टः गोक्षीरपिष्ट काश्मर्य मधुक तर्पण कल्पो वा मधुच्छिष्ट मञ्जिष्ठा सर्जरस सारिवा क्षीरसिद्धं पिण्डतैलम् अभ्यङ्गः सर्वेषु च पुराणघृतम् आमलकरस विपक्वं वा पानार्थे जीवनीय सिद्धं परिषेकार्थे काकोल्यादि क्वाथ कल्क सिद्धं वा सुषवी क्वाथ कल्क सिद्धं वा कारवेल्लक क्वाथ मात्र सिद्धं वा बलातैलं वा परिषेकावगाह बस्ति भोजनेषु शालिषष्टिक यवगोधूमान्नम् अनवं भुञ्जीत पयसा जांगलरसेन वा मुद्गयूषेण वा अनम्लेन शोणितमोक्षञ्च अभीक्ष्णं कुर्वीत उच्छ्रित दोषे च वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन कर्म कर्तव्यम् पटोल त्रिफलाभीरु गुडूची कटुकाकृतम् क्वाथम् पीत्वा जयत्याशु वात शोणितजामृजम् भवन्ति चात्र एवमाद्ये क्रियायोगैर् अचिरोत्पतितम् सुखम् वातासृक् साध्यते वैद्यैर्याप्यते तु चिरोत्थितम् उपनाह परियुषेक प्रदेहाभ्यञ्जनानि च शरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च मृदुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च वातरक्ते प्रशस्यन्ते मृदुसंवाहनानि च व्यायामं मैथुनं कोपं उष्णां ललवणाशनं दिवास्वप्नम् अभिष्वन्दी गुरुचान्नं विवर्जयेत् अपतानकिनम् अस्रस्ताक्षम् अवक्रभ्रुवम् अस्तब्धमेढ्रम् अस्वेदनम् अवेपनम् अप्रलापिनम् अखट्वापातिनम् अबहिरायामिनम् च उपक्रमेत तत्र प्राग् एव स्नेहाभ्यक्तम् स्विन्नशरीरम् अवपीडनेन तीक्ष्णेन उपक्रमेत शिरःशुद्ध्यर्थम् अनन्तरम् विदारिगन्धादि क्वाथ मांसरस क्षीरदधिपक्वम् सर्पिरच्छम् पाययेत तथा हि नातिमात्रम् वायुः प्रसरति ततो भद्रदार्वादि वातघ्नगणम् आहृत्य स यवकोलकुलत्थम् स्थानूपौदकमांसम् पञ्चवर्गम् एकतः प्रक्वाथ्य तम् आदाय कषायम् अम्लक्षीरैः सहोन्मिश्र्य सर्पिस्तैलवसामज्जभिः सह विपचेत् मधुरकप्रतिवापम् तदेतत्त्रैवृतम् अपतानकिनाम् परिषेक अवगाह अभ्यङ्ग पान भोजन अनुवासन नस्येषु विदध्यात् यथोक्तैश्च स्वेदविधाने स्वेदयेत् बलीयसी वाते सुखोष्ण तुष बुष करीष पूर्णे कूपे निदध्यात् आमुखात्
तप्तायाम वा रथकार चुल्याम तप्तायाम वा शिलायाम सुरापरिषिक्तायाम पलाशदलच्छन्नायाम शाययेत कृशरा वेशवार पायसैर्वा स्वेदयेत मूलक उरुवु स्फूर्जा अर्जक अर्क सप्तला शंखिनी स्वरससिद्धं तैलं अपतानकिनां परिषेकादिषु उपयोज्यम् अभुक्तवता पीतं अम्लं दधि मरीच वचायुक्तं अपतानकं हन्ति तैलसर्पिर्वसाक्षौद्राणि वा एतच्छुद्धवात् अपतानकविधानम् उक्तं संसृष्टे संसृष्टं कर्तव्यम् वेगांतरेषु च अवपीडन दद्यात् ताम्रचूड कर्कट कृष्णमत्स्य शिशुमार वराहवसाश्च आसेवेत क्षीराणि वा वातहरसिद्धानि यव कोल कुलत्थ मूलक दधि घृत तैल सिद्धा वा यवागुः स्नेह विरेचन आस्थापन अनुवासनैश्चैनम् दशरात्राहृतम् वेगम् उपक्रमेत वातव्याधि चिकित्सितञ्च अवेक्षेत रक्षाकर्म च कुर्यान् इति पक्षाघातोपद्रुतम् अम्लान गात्रम् सरुजम् आत्मवन्तम् उपकरणवन्तञ्च उपक्रमेत तत्र प्रागेव स्नेहस्वेदोपपन्नम् मृदुनाशोधनेन संशोध्य अनुवास्य आस्थाप्य च यथाकालम् आक्षेपकविधानेन उपचरेत वैशेषिकश्चात्र मस्तिष्कश्रोभस्ति अणुतैलम् अभ्यङ्गार्थे साल्वणम् उपनाहार्थे बलातैलम् अनुवासनार्थे एवम् अतन्द्रितस्त्रिंश्चतुरो वा मासान् क्रियापथम् उपसेवेत मन्यास्तम्भेत्पेतद् एव विधानम् विशेषतो वातश्लेष्महरेर्नस्त्यै रूक्षस्वेदैश्च उपचरेत अपतन्त्रकातुरम् नापतर्पयेत् वमन अनुवासन अस्थापनानि न निषेवेत वातश्लेष्मोपरुद्धोच्छ्वासम् तीक्ष्णे प्रध्मापनैर्मोक्षयेत तुम्बुरु पुष्करावह हिंग्वम् लवेत स पथ्या लवणत्रयम् यवक्वाथेन पातुम् प्रयच्छेत पथ्या शतार्धे सौवरचलद्विपले चतुर्गुणे पयसि सर्पिप्रस्थसिद्धम् वातश्लेष्मापनुच्च कर्म कुर्या अर्दितातुरम् बलवन्तम् आत्मवन्तम् उपकरणवन्तञ्च वातव्याधिविधानेन उपचरेत वैशेषिकैश्च मस्तिष्क शिरोभस्ति नस्य धूम उपनाह स्नेहनाडिस्वेदादिभिः तथ सत्रुणम् महापञ्चमूलम् काकोल्यादिम् विदारिगन्धादिम् आन औदकानुपमांसम् तथैवोदककन्दांश्चाहृत्य द्विगुणोदके क्षीरद्रोणे निक्वाथ्य क्षीरावशिष्टम् अवतार्य परिस्राव्य तैलप्रस्थेन उन्मिश्र्य पुनरग्नौ अधिश्रयेत ततस्तैलम् क्षीरानुगतम् अवतार्य शीतिभूतम् अभिमथनीयात् तत्र यस्नेह उत्तिष्ठेत् तम् आदाय मधुरौषधसहा क्षीरयुक्तम् विपचेत एतत् क्षीरतैलम् अर्दितातुराणाम् पानाभ्यङ्गादिषु उपयोज्यम् तैलहीनम् वा क्षीरसर्पिः अक्षितर्पणम् इति घृधरति विश्वाचि प्रोष्टुकशिरखैञ्ज पङ्गुल वातकण्टक पाददाह पादहर्ष अवबाहुक बाधिर्य धमनीगतवातरोगेषु यथोक्तम् यथोद्देशञ्च शिराव्यधम् कुर्या अन्यत्र अवबाहुकात् वातव्याधि चिकित्सितञ्च अवेक्षेत कर्णशूले तु शृङ्गवेररसम् तैलमधुसंसृष्टम् सैन्धवोपहितम् सुखोष्णम् कर्णे दद्यात् अजामूत्रमधुतैलानि वा मातुलुङ्ग दाडिम तिन्तिडिक स्वरसमूत्रसिद्धतैलम् सुप्त सुरातक्रमूत्रलवणसिद्धम् वा नाडिस्वेदैश्च स्वेदयेत वातव्याधिचिकित्साञ्चावेक्षेत भूयश्चोत्तरे वक्ष्यामः तूनी प्रतून्यो स्नेहलवणम् उष्णोदकेन पाययेत पिप्पल्यादिचूर्णम् वा हिङ्गुयवक्षारप्रगाढम् सर्पिः बस्तिभिश्चैनम् उपक्रमेत आध्माने तु अपतर्पण पाणिताप दीपनचूर्ण फलवर्तिक्रिया पाचनीय दीपनीय बस्तिभिरुपाचरेत लङ्घनानन्तरञ्च अन्नकाले धान्यकजीरकादि दीपनसिद्धानि अन्नानि प्रत्याध्माने छर्दन अपतर्पण दीपनानि कुर्यात् अष्ठीला प्रत्यष्ठीलयोर्गुल्माभ्यन्तरविद्रधिवत् क्रियाविभाग इति हिङ्गु त्रिकटु वचा अजमोदा धान्य अजगन्धा दाडिम
तिंतिडिक पाठा चित्रक यवक्षार सैंधव बिड सौवर्चल स्वर्जिका पिप्पली मूल अम्लवेतस शटी पुष्कर मूल हपुषा चव्य अजाजी पथ्याश्चूर्णयित्वा मातुलुंगामलेन बहुश परिभाव्य अक्षमात्रा गुटिका कारयेत ततप्रातर एकेकां वातविकारी भक्षयेत एष योगः कास श्वास गुल्म उदर अरोचक हृद्रोग आध्मान पार्श्व उदर बस्ती शूल आनाह मूत्रपृच्छ्र प्लीहा अर्शस्तूनि प्रतूनीर अपहंति भवन्ति चात्र केवलो दोषयुक्तो वा धातुभिर्वावृतो निलः विज्ञेयो लक्षणोहाभ्याम् चिकित्स्यश्चाविरोधतः रुजावन्तं घनं शीतं शोफं मेदोयुतो निलः करोति यस्य तं वैद्यशोथवत् समुपाचरेत् कफमेदोवृतो वायुर्यदोरुप्रतिपद्यते तदाङ्गमर्दस्तैमित्य रोमहर्षरुजाज्वरैः निद्रयाचार्दितौ स्तब्धौ शीतलौ अप्रचेतनौ गुरुकौ अस्थिरौ ऊरु नस्वौ इव च मन्यते तम् ऊरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवासम् अथापरे स्नेहवर्जम् पिबेत्तत्र चूर्णम् षड्धरणम् नरः हितम् उष्णाम्बुना तद्वत् पिप्पल्यादिगणैः कृतम् लीह्याद्वा त्रैफलम् चूर्णम् क्षौद्रेण कटुकान्वितम् मूत्रैर्वा गुग्गुलम् श्रेष्ठम् पिबेद्वापि शिलाजतु ततो हन्ति कफाक्रान्तम् समेदस्कम् प्रभञ्जनम् हृद्रोगम् अरुचिम् गुल्मम् तथाभ्यन्तरविद्रभिम् सक्षारमूत्रसेदांश्च रूक्षाण्युत्सादनानि च कुर्याद्दीह्याच्च मूत्राढ्ये करञ्जफलसर्षपैः भोज्यापुराणश्यामाककोद्रवोद्दालशालयः शुष्कमूलकयूषेण पटोलस्य रसेन वा जाङ्गलैर्घृतैर्मांसैः शाकैश्चालवणैर्हितैः यदा स्याताम् परीक्षीणे भूयिष्ठे कफमेदसि तदा स्नेहादिकम् कर्म पुनरत्रावचारयेत् सुगन्धिः सुलभुः सूक्ष्मः तीक्ष्णोष्णः कटुको रसे कटुपाकस्तरो हृद्यो गुग्गुलः स्निग्धपिच्छिलः स नवो गृहणो वृष्य पुराण स्वपकर्षणः तैक्ष्ण्यातौष्ण्याकफवातघ्नः सरत्वान्मलपित्तनुत सौगन्ध्यात्पूतिकोष्टघ्नः सौक्ष्म्याच्चानलदीपनः तम् प्रातस्त्रिफलादार्वी पटोलकुशवारिभिः पिबेदावाप्य वा मूत्रैः क्षारैरुष्णोदकेन वा जीर्णेयूषरसे क्षीरभुञ्जानो हन्ति मासतः गुल्मम् मेहम् उदावर्तम् उदरम् सभगन्धरम् कृमिकण्डवरुचिश्वित्राण्यर्बुदम् ग्रन्थिमेव च नाड्याढ्यवातश्वेथून् कुष्ठदुष्टव्रणाश्च सः कोष्ठसन्ध्यस्थिगम् वायुम् वृक्षम् इन्द्राशनिर्यथा इति श्रीसुश्रुतसंहितायाम् चिकित्सास्थाने महावातव्याधिचिकित्सितम् नाम पञ्चमोऽध्यायः।